जिलहिज्जा माह में की जाने वाली पवित्र हज यात्रा के लिए देश भर से हाजियों का जत्था मक्का मदीना का जियारत करने रवाना होना शुरू हो गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में हज यात्री रवाना हुए। जिलहिज्जा माह में की जाने वाली पवित्र हज यात्रा में मक्का मदीना शरीफ की पवित्र यात्रा के लिए देश भर से हाजियों का जत्था रवाना होने लगा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश भर से दुर्ग, भिलाई, रायपुर सहित अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में हाजी हज यात्रा के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। रविवार को रायपुर से पूर्व राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी और शमीम रिजवी भी हज यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने दुर्ग पहुंचकर बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर हाजिरी पेश की। इस मौके पर हज यात्रा में जा रहे हाजियों को फूलों को पहनाकर इस्तकबाल भी किया गया। इस दौरान मौजूद सभी परिवार और दोस्तों के द्वारा गले मिलकर अपने हक में दुआएं करने कहा गया। इसके बाद हाजी सड़क मार्ग से नागपुर के लिए रवाना हुए, जहां कल सुबह नागपुर से सऊदी अरब जद्दा के लिए हवाई उड़ान भरेंगे। इस संबंध में हाजियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अल्लाह का ये बहुत एहसान है कि अल्लाह अपने घर का मेहमान मुझे बनाया है और ये शर्फ हासिल हुआ है मुझे के जो इस्लाम के फ़राइज़ों में से एक फ़राइज़ जो हज का है वो पूरा करने का अल्लाह ताला मुझे मौका दिया है। मैं उसका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दुआएं दी मुझको ये शर्फ हासिल करने के लिए। तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती, अपने घर वालों की खुशकिस्मती, अपने चाहने वालों की खुशकिस्मती मानता हूँ कि वहाँ जा कर अल्लाह से, मैं अल्लाह के घर पर अल्लाह से मांगूँगा जो सीधा अल्लाह से संवाद होगा। नागपुर इम्बार्केशन पॉइंट बना है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो नागपुर से जो फ्लाइट हमारी जाएगी यहाँ से जद्दा, जद्दा से हम मक्का जब उतरेंगे, मक्का का मकाम रहेगा 30 दिन का, उसके बाद 10 दिन मदीना शरीफ में रहेंगे। हज के अराकान 5 दिन के पूरे करने के बाद फिर मदीना शरीफ। लग रहा है बहुत अच्छा दिन दिखाया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि वहाँ की ज़ियारत हमको नसीब हो रही है और अल्लाह ताला सबकी जो दुआएँ तमन्ना है सब उसको पूरी करे और हमारा हज का सफ़र आसान करे। आप लोग भी दुआ कीजिए सर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।